माहिर रियाजी दा रामानुजन की योम पैदाइश के मौके पर कौमी योम रियाजी तकरीब का इनेकाद भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के अलावा क्रिसेंट हाई स्कूल और दीगर खानगी व सरकारी स्कूलों में अमल में लाया गया। इस तकरीब में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल जुफिशा सुल्ताना ने रियाजी की अहमियत व फादियत के ताल्लुक से तलबा को जागर करते हुए रोशन मुस्तकबिल के लिए तलबा को अपने जरीन मशवरों से सरफराज किया और रियाजी लेक्चरर सैयद बशीर की तलबा और प्रिंसिपल ने शाल पोशी और गुलपोशी के जरिए तहनियत पेश की। इस मौके पर लेक्चरर्स मोहम्मद अब्दुल साजिद अब्दुल रशीद डॉक्टर शेख हफीज हरी फरखंदा अली खान संदीप कलनी भूषण पांडे अंजुम सुल्ताना आसिया बेगम असलम खान मोहम्मद रफीक व दीगर मौजूद थे। एक गुजारिश सबसे ये भी है कि जो मेरे साथ कुछ हाल दिया जाए उसको प्रोग्राम या कदर दी जाए और उसके जरिए जो भी अगर शख्सियत हो उनके बारे में हमको मालूम हो। इसलिए मैं सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा तालिबात को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रोग्राम करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था, मगर बहुत अच्छा प्रोग्राम करें और काबिल तारीफ। अब रही बात आज जो मैच डे मनाया जा रहा है तो क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सबके इल्म होता है इसकी वजह क्या है, क्यों मनाया जाता, मगर सबसे अहम और असल जो ज़रूरत है दिन ब दिन म्यास के स्टूडेंट के अंदर कमी आती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूलों के अंदर एक तो म्यास पढ़ाने वालों की कमी हो गई और दूसरी बात जो भी म्यास के अंदर दिलचस्पी रखते उनको डराया जाता, उनको बोला जाता कि म्यास हार्ड होता है, MPC नहीं लेना, फिर MPC लेंगे तो क्या करेंगे आप, उनको ऐसे ग्रुप की तरफ तरजीह दी जाती है जो कोई अगर एक एडमिशन ले लिए तो पूरी लाइफ उसमें एडमिशन ले लेती है। आप बड़े मुकाम पर जाइए तो वहाँ पर तकरीबन ज़्यादा MPC में होती है और पढ़ने वाले भी जहन होते हैं उसके अंदर, पढ़ने वाले भी दिलचस्पी बताते हैं। तो जैसे हमारे तालिबात ने बहुत अच्छी तकरीबन बहुत अच्छी बातें बताई तो हम यहाँ से सिलसिले से मेरा एक या दो मैसेज ये है कि जहाँ पर हम म्यास पढ़ रहे हैं इसको बाकी रखें। बाद ऐसा होगा कि भाई MPC तो ले दे रहे मगर आगे जाने के बाद BA के अंदर BCOM के अंदर या BSc के अंदर एडमिशन ले रहे, MPC को इंटर तक महदूद रह दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। म्यास के अंदर ऐसी महारत हासिल करे कि हर क्वेश्चन का अपन सॉल्व कर सके और अपने जरिए से दूसरों को भी अच्छा फायदा पहुँच सके। क्यों इस वास्ते कि म्यास जिसको आता है उसको साइंस भी आता, सोशल भी आता, फिजिक्स भी आता, सब आता। जैसे जो भी एग्जाम्स होते हैं जो म्यास के स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छे मार्क्स आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल पहले जो TIT हुआ टीचर का एग्जाम उसके अंदर 15-20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिसमें से 4-5 MPC के थे और 2-3 अपने कॉलेज के MPC के बच्चे आए, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी लेते रहना और दूसरों को भी लेते रहना, दिन ब दिन स्ट्रेंथ की कम होते जा रही, इसके ऊपर जरा खसूसी तवज्जो की जरूरत है। हमको म्यास से क्या हासिल हो रहा और क्या हासिल करना चाहिए, म्यास का सारा ये तो सब चीजें आती हैं, मगर जो चीज पे असल हमको गौर करना है उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे क्या बोलते तलबा की और तालिबा की भी जहाँ पर हम MPC लेते हैं आने वालों को भी बोलना है कि MPC ग्रुप अच्छा रहता है, उसके सोर्सेज अच्छे, आगे जाने वाला बहुत फायदा है। ये सारी